अभी नहीं बैठना, अभी नहीं बैठना, हल्ले हल्ले खड़े रहे, खड़े रहे, कैसे नहीं बैठे, ठीक है, खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया, हालेलुया, कहें प्रभु आज मैं खड़ी हूँ क्योंकि आज आप कब्र खोल के बाहर आए, आज मेरा विश्वास है, मैं अड़ी और खड़ी रहूंगी, मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर बाहर आया है। आज मैं नहीं हो के अपने घर जाने वाली हूँ, इस वचन से हजार गुना खा के जाने वाली हूँ। आपको पता है मैं क्यों क्यों लेडीज के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि लेडीज जोर से बोलती, जेंट्स बोलते नहीं, फिर मैं इसलिए लेडीज की आवाज में बोल रहा हूँ। जेंट्स बोलेंगे, ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, मैं आज हजार गुना खा के जाने वाला, आज मैं खाली करने जाऊंगा, बिल्कुल खाली करने जाऊंगा, मेरा यीशु मसीह मरा और जिंदा हुआ आज मेरे लिए, आज के दिन वो मेरे लिए जिंदा हुआ था। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, सेलिब्रेट टू जीसस, सेलिब्रेट टू जीसस। मैं पावर में नहीं बढ़ रहा हूँ, मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है, ऐसे तो मैं बहुत मूड में हूँ, आज बहुत पावर में हूँ, मजा नहीं आ रहा है। हालेलुया, 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 शैतान घर में फटना चाहिए आपके, आज समझ आ रहा है, जब आप घर वापिस जाए शैतान मरा होना देखना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ऐ खुदावन तेरी महिमा हो, लोबाहा का बिकोरा बहासेंदो मोहम रखा रिप्रो को टिकारा बाला शंदो ब्रोहो कटिया रिको बहांजा मगो रिका लबरा कुसा बहाका रिपो पो 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 बकोलिया महासेंदो रोबा कसीका रिको बहांजा मासिको तो लबा शकारा बाला को रिपो पो 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 बकोरा बा रिपो को इमांजो हो सगरिया बा शकारा बा अपोहो का मकंजा लबा बकोरा बा चिबा शांति दे, तेरा मन जो टाइट है प्रभु उसको शांत कर, आत्मा कह रहा है जिनके मन आज बंद पड़े हुए मैं खोलने लगा हूं, जिनके मनों को तंगी लग रही है मैं उनको कंफर्टेबल जोन में ला रहा हूं। कह रहा है इससे पहले इतना शांत आप कभी नहीं हुए जितना आने वाले हैं, आपका जीवन आज एक नई खुशी को देखेगा, आपका जीवन आज एक नई उम्मीद को देखेगा, आपकी बीमारी आज छोड़ के जाएंगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, सब बैठ जाए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, बैठ जाए। ओ मारे लामा सोको अरे बाबा बाबा बाबा, सुनो जब मैं 7 साल का था मैं नाचता था, तो मेरे हॉस्टल में मुझे जब नचाया जाता था वो फिल्मी गानों पे नचाते थे मुझे, और मैं खुश हूं मेरी बेटी खुदा के गानों पे नाचती है। मेरा अपना डांस इंस्टीट्यूट था, मैं डांसर था, और मुझे पता नहीं था जितना मैं नाचता जा रहा था उतना मैं, समझ आ रहा है, जब आपके पास अनंटिंग होगी परमेश्वर का मसा होगा तो आप अगर शैतान के लिए नाचेंगे मैं कह रहा हूं कभी सक्सेस नहीं होगी, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, सच कह रहा हूं। मेरा मैं इस हद तक एक्टिंग के डांस में डूब चुका था कि मैं एक एक्टर की भी गलती निकाल सकता था कि इसने गलती की है, एक वीडियो देख के बता सकता था इसके इतने कदम होने चाहिए थे इससे आगे गया, ये गलती की है इसने, यहाँ पे इसका वॉकिंग ये अच्छी एक्टिंग नहीं हुई है, इस हद तक डूब चुका था क्योंकि मैंने 7 साल से लेके 18 साल तक एक्टिंग और डांस ही किया था और कुछ नहीं किया मैंने, सब बेकार हो गया, समझ आ रहा है, सब बेकार हो गया, पर
जहां यीशु मसीह भी फट रही ना सब बेस्ट हो गया हालेलुया। और यीशु मसीह जी जब इस दुनिया में आए ना किसी का धर्म बदलते हैं ना किसी की जात बदलते हैं, वो सिर्फ तेरे मन को बदलते हैं। लोग कहते धर्म बदल दिया, हमारा धर्म बदल दिया, हमारी जात कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ तुम्हारा मन बदल जाएगा। हालेलुया। मन बदलना धर्म बदलने से काफी ऊपर है, क्योंकि तुम अपना मन नहीं बदल सकते, धर्म बदल सकते हो। शायद तुम धर्म बदल दो, हाँ जी शायद इस धर्म से इस धर्म में आने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी, शायद मैं ब्लेस हो जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा, तेरे मन बदलने से सब कुछ होगा। परमेश्वर ने कहा मैं तो अड्डा उधार करनी आया, मैं धर्म का उधार करनी आया, मैं तुम्हारी रूह का उधार करने आया हूं, तेरे मनों का उधार करने आया हूं। हालेलुया हालेलुया। और जब मेरे मन का उद्धार हुआ, सच में मैं बड़ा अजीब सा आदमी था, जब मैं प्रार्थना करने बैठता था तो मैं खुद को दुख देता था खुद को। मैंने जब फर्स्ट टाइम प्रेयर की, मैं इतना पाप में भरा हुआ आदमी था, दुनिया भर के गुनाह किए थे मैंने, छोटी सी एज में मैंने वो सब कुछ कर दिया था, शायद मेरे हिसाब से मैं बहुत पाप, मर्डर नहीं किया, कुछ नहीं किया, लोग सोचते हैं मर्डर किया, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया, बहुत ही, पर मेरी नजर में बहुत बड़े गुनाह थे। परमेश्वर ने कहा एक छोटी सी चीज तुझे नर्क लेके जा सकती है, छोटी सी चीज। स्वर्ग जाने वाले लोगों को मन बदला होता है, धर्म नहीं बदला होता है, समझ आ रहा है? मैं कहता हूं लाइफ चेंज करो चर्च में आके, तो पहले हम वहां जाते थे, आज हम यहां जाते हैं। जगह बदलने से कुछ नहीं होने वाला, तेरे मन बदलने से सब कुछ होने वाला है। उसने कहा था यूहन्ना ने जब यीशु मसीह की मिनिस्ट्री शुरू की, यीशु मसीह ने जब अपना अपने स्वर्ग राज्य नाम शुरू किया था, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था पता है आपको? यूहन्ना यीशु मसीह के आने की, जैसे अभी यहां पर एंजेलिना डांस कर रहे हैं, तो सिस्टर ने उनके लिए क्या किया था, क्या किया था उनके आने से पहले घोषणा की वो आ रही है डांस करने के लिए, तो आप समझ गए थे अभी वो एक डांस करेगी, कितना मेरे पास समझ आ गया। यीशु मसीह जब आ रहे थे तो यूहन्ना पहले कह रहा था अपना मन, बाइबल में क्या लिखा, अपना मन फिराओ, कहां लिखा अपना धर्म बदलो, नहीं, यीशु मसीह में आने के बाद आप सिर्फ अपना मन बदलते हैं, अपने काम बदलते हैं, अपनी बुराई को चंगाई में बदलते हैं, और परमेश्वर आपको बरकत देता है। आज आपकी आंखें खुले, आंखें शरीर की तो वैसे खुली है, आत्मिक आंखें खुले। हालेलुया थैंक यू जीसस। परमेश्वर से मैंने मांगा ए खुदावन आज अपना राज्य यहां प्रकट करे, समझ आ रहा है? मैं बहुत बड़ी चीज मांग कर रहा हूं परमेश्वर से, 6:30 साढ़े पांच छह बजे मैं सोया हूंगा रात सुबह, और पूरी रात मैंने खुदा से मांगा खुदावन अपना राज्य आज मेरे चर्च में, क्योंकि लोग जिसको ढूंढते हैं वो दिखता नहीं, मैं चाहता हूं कि आज दिखे आप सबको। हम नाम को नहीं ढूंढ रहे, हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। हमें नहीं पता उस परमेश्वर का नाम क्या है, पर उसने अपना बेटा भेजा था, उसने कहा था जा मेरे बेटे पे विश्वास रख, तो तूने मुझ पे विश्वास रखा है, और उस बेटे का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। क्या होगा अगर आप चर्च आ गए, क्या हो जाएगा अगर आप चर्च आ गए और आपने आपने अपना नाम बदल दिया, आपने अपना नाम अपने राकेश कुमार से अपना नाम पीटर रख दिया, क्या हो जाएगा? पीटर वाले काम हो जाएंगे? नहीं, जब तक आप अपनी लाइफ को नहीं बदलते आपकी लाइफ में पीटर वाले काम नहीं होंगे। अगर आप शराब भी पी रहे, नशे भी कर रहे हैं, और व्यभिचार में भी डूबे हो, और आप कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन बन गया, मैं चर्च आ रहा हूं, कुछ नहीं, अपने लिए और लोगों के लिए धोखे का कारण होने वाला था। तुम्हारे काम बताते हैं कि तुम क्रिश्चियन हो, और बाइबल में कहीं नहीं लिखा क्रिश्चियन, ईसाई लिखा ही नहीं है। उसने कहा अपने अधर्म को छोड़ और मेरे पीछे आ, क्योंकि जो मेरे पीछे आता है वो स्वर्ग को जाता है। सच कह रहा हूं मैं, यीशु मसीह के पहले चले, यीशु मसीह के पीछे आए, यीशु मसीह ने कहा किसको ढूंढते हो? उसने कहा ए रबी अपार्थ ए गुरु तू कहां रहता है? चेले कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा चलोगे तो देख लोगे, मतलब मेरे वचनों पे चलोगे तो जान जाओगे कि मैं कहां रहता हूं, मेरा घर इस पृथ्वी पे नहीं स्वर्ग में है। भूल जाओ कि दूसरी कोई जिंदगी भी है, मैं आपको कह रहा हूं दूसरा कोई जन्म नहीं है, मैंने आपको कह दिया। ये बंदा 6 बार नर्क गया, अभी मैं प्रचार के बाद प्रूफ कर दूंगा कि मैं गया हूं नर्क, कैसे गया ये भी प्रूफ कर दूंगा। स्वर्ग में भी गया, वहीं से ब्लेस होकर है, मैंने कोई इंपार्टेशन नहीं लिया किसी पास्टर से, किसी खुदा के दास ने हाथ रख के मुझे इंपार्टेशन किया पावर इन द नेम ऑफ जीसस, नो, यीशु मसीह ने ब्लेस किया, कुछ नया करने आया हूं आज।
बातें बहुत होगी कि ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ नहीं। मैंने कहा पहले बातें बहुत होगी, मैं कुछ करने हैं वहां, क्योंकि तुम देख के विश्वास करोगे। जब तक तुम्हारी लाइफ में कुछ काम नहीं हुआ तुम कभी विश्वास नहीं करोगे। तुम्हारी लाइफ में कुछ होता तब हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने इतने चिन्ह चमत्कार तो किए तो भी यहूदियों ने विश्वास नहीं किया, भाली कि उनका धर्म विश्वास से उगा हुआ था। कहां से उगा था? विश्वास से। बिगनिंग कहां से थी? विश्वास से। अब्राहम 25 साल यहोवा के साथ विश्वास के साथ चलता रहा। कितने साल चला? 25 साल। बच्चा फिर भी नहीं हुआ। 100 साल का अब्राहम होने वाला है। 99 का था जब उसके घर में बच्चा हुआ। नामुमकिन है 99 साल की उम्र में बच्चा होगा। नामुमकिन है कि 75 की साल में औरत एक बच्चा पैदा करेगी, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ। और आज अगर एक औरत मेरे पास आती है और वो कहती है मेरी एज 70 साल है, मैं बच्चा नहीं है मेरे घर में, मैं अगर उसे कहूं कि परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तेरा विश्वास अगर अब्राहम के समान, तो 70 साल की उम्र में बेटा पैदा करेगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं किसकी आराधना करता हूं। हालेलुया। सामरी स्त्री को यीशु मसीह ने क्या कहा था? क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम किसकी आराधना करते हो, मैं जानता हूं कि मैं किसकी आराधना करता हूं। और जिसे हम जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। और यहूदियों ऐसा क्या हुआ? यहूदी तो एक भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, सभी यीशु मसीह के खिलाफ थे। फिर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि उद्धार यहूदियों में से है? यहूदी धर्म कहां से शुरू हुआ था पता आपको? अब्राहम से। अब्राहम ने क्या किया था? विश्वास किया था। जब यीशु मसीह जब याचकों के साथ और संदूकी फरीसियों के साथ बात हो रही थी तो वो कहते हम अब्राहम की संतान है। यहूदी क्या कहते? हम अब्राहम की संतान है। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम ने क्या किया था? कोई समुद्र दो बाकी नहीं है, किसी बीमार को चंगा नहीं किया, पर उसने क्या किया? 25 साल परमेश्वर पर यहोवा पे विश्वास किया। और यदि कोई यहां बैठे विश्वास करता है, मैं अभी कहता हूं इन द नेम ऑफ जीसस आपकी बीमारी जाए, आप अपने दुखों से आजाद हो यीशु मसीह के नाम से, आप अपने नशों से आजाद हो, अपने कर्जों से आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा यीशु मसीह सिर्फ कहता नहीं है, करता है। दस डस करता है। जीसस डस। ओह थैंक यू जीसस। अरे तुम्हारा विश्वास उस अब्राहम के समान है। अगर आज मैं आपको कह रहा हूं सब कुछ आपके लिए मुमकिन है। आप सोचते होंगे कभी ऐसा होगा कि मैं इतनी देर से व्हील चेयर पर हूं मैं चल पाऊंगा? तेरा विश्वास तुझे आज खड़ा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उद्धार यहूदियों में से है। और यहूदी लोग जब यहोवा की प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं, और वो नहीं जानते, सच कह रहा हूं, वो नहीं जानते वो नाम कैसे बुलाते हैं। यावे, यावे करके बुलाते हैं, यहोवा करके बुलाते हैं, दोनों नाम से पुकारते हैं वो, यावे और यहोवा दोनों से पुकारते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पता ही नहीं उनको यावे या यहोवा है। और यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था क्योंकि जिसकी तुम आराधना करते तुम उसे नहीं जानते, पर हम जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं उसका नाम क्या, वो कौन है। और इसलिए हम नाम नहीं लेते, बाप का नाम लेते हैं भाई, छोड़ दो नाम लेना। मैं इसलिए कहता हूं ऐ पिता हम तुझसे मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से यीशु यहोवा ने कहा यदि तू मेरे बेटे के नाम से सब हो जाएगा। यूहन्ना 14:14 में यीशु मसीह ने कहा यदि तू मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगे तो हो जाएगा। यदि तू मुझसे दो बातें लिखी है मुझे अलग लग रहा है कुछ। यीशु मसीह यूहन्ना 14:14 में कह रहे हैं यदि तू मुझसे मेरे नाम से, समझ रहे? यीशु यहोवा यहोवा यीशु, सॉरी यहोवा यीशु यीशु यहोवा, ये प्रूफ्ड है, इज द गॉड। लोग कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, स्वर्ग का मालिक वही है। बाइबल में लोग कहते हैं नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए तुम्हें आंखें चाहिए जो कि है नहीं, क्योंकि इन आंखों से तुम संसार देखते हो। बाइबल को पढ़ने के लिए आत्मिक आंखें चाहिए और वो खुली नहीं है। जब खुल जाती है आदमी कहता ओह हम कहां थे अभी तक, 50 साल तक हम कहां जिए, ये 5 हफ्तों में हमारी आंखें खुल गई। हालेलुया। और सिर्फ विश्वास से आप सब कुछ पा सकते हैं। मैंने आपको कह दिया कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में परमेश्वर करने वाला, आज कुछ बड़ा 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 होने वाला है। आप घरों में सेम नहीं जाएंगे, मैंने कहा आप जहां आपके अभी हैं परमेश्वर कह रहा है मैं वहीं आपके घर में आपको आशीष देने के लिए आने वाला हूं। हालेलुया। और वो विश्वास बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। यीशु कुछ भी कर, कुछ भी मारा हमारे लिए, जी उठा हमारे लिए,
क्योंकि यदि हम मर जाएं और पता है उसके बाद हमने जी उठना है, यदि हम यीशु मसीह को जानते हो। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, और इस चीज पे तुम्हें विश्वास करना है, तेरा विश्वास तुम्हें बहुत ऊपर लेके जाने वाला है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना खुदा के बड़े बड़े दास हैं, उनकी खुदा सुनता है, वो कैसे रिश्ता बनाते हैं यीशु मसीह के साथ, कैसे वो उनसे बातें करते हैं। अभी मैं लोगों को बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं खुदा के दास प्रार्थना करते हैं, मैं नहीं प्रार्थना करता। कुछ खुदा के लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं बाइबल नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? ना मैं बाइबल पढ़ता हूँ ना मैं दुआ करता हूँ। फिर आप क्या करते हैं? मेरी बातें होती हैं, दुआ वाला सिस्टम खत्म हो गया, समझ आ रहा है? आप रोज जाके दुआ करते हैं, मैंने आपको कहा दुआ बंद कर दो, दुआ करनी। उसने कहा सनशिप, आपका रिश्ते नाता आपको प्रभु के पास लेके जाता है। सोचो अगर मेरा रिलेटिव डीसी है तो मुझे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे मामा जी है, और मैं सीधा जाऊंगा, मामा जी कितने मेरे पास जा रही है, यीशु मसीह मेरा बाप है, मैंने परमिशन लेनी होती है, मैं घुटने लगाते बोलता हूँ यीशु, मैं बातें शुरू करता, क्योंकि रिश्ता बना बैठे। और रिश्ता कैसे बनता है? कितने चाहते हैं, हमें वो चीज चाहिए कि हमारे रिश्ते यीशु मसीह के साथ तैयार हो, और हम अपनी आंखों से स्वर्ग दूत अपने घरों में देखें, और बीमारियों छुटकारे सारे हमारे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यदि मैं सीक्रेट अपने पास रख के रखूं तो कोई फायदा नहीं, मैं चाहता हूं उन्नति हो लोगों की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर से मैं बातें करूं, परमेश्वर मुझसे बातें करे, पहला आपको यह विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए है। ये वचन ताने के लिए नहीं उठाना। हाँ जी, तू शराब पीता, बाइबल में ये लिखा, यीशु मसीह ने कहा यदि मैं योना यीशु मसीह के पीछे आया, और पतरस को यीशु मसीह ने माफ कर दिया, और जब उसे माफ कर दिया तो योना पीछे आ रहा और यीशु मसीह आगे चल रहा है, मरकर जी उठने के बाद की बात। अब उन 12 चेलों को यीशु मसीह ने दर्शन दिए, उन 2 आदमियों को यीशु मसीह ने दर्शन दिए, ना जाने कितने लोगों को दर्शन, हम में कौन सी कमी है कि यीशु मसीह हमें दर्शन नहीं दे रहा? वो है पाप। वो पापी है जो हमें यीशु मसीह से कनेक्ट नहीं होने देता, वो पापी है जो हम यीशु मसीह को देख सकते। आपको क्या लगता है यीशु मसीह कहां है? वो आपके लिए यहां है। उसने कहा मैं तुझसे दूर नहीं हूं, बस तू मुझसे दूर है, मैं तुझसे कभी दूर नहीं हुआ, मैंने तेरी जन्ने वाली मां तुझे छोड़ देगी पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं बिल्कुल तेरे सामने खड़ा हूं पर तुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि संसार के शैतान ने तेरी आंखें बंद कर रखी है। हालेलुया, 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 ओ जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात कहता हूं, कितना भी बड़ा चढ़ावा कहीं भी चढ़ा दो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपने आप को चढ़ावा नहीं करेंगे, समझ आ रहा है? दूसरा सीक्रेट, पहला वचन पढ़ना है अपने लिए, वचन है मेरे लिए, दूसरा आप क्या करें? उस वचन पे विश्वास करें, विश्वास करें, और तीसरा उस विश्वास के अनुसार अपने आप को सैक्रिफाइस करें। सैक्रिफाइस का मतलब नहीं है जैसे लोग बकरे चढ़ा रहे हैं, खून चढ़ा रहे हैं। क्या परमेश्वर शैतान है, भूत है? वो मांस खाएगा लहू पिएगा? नहीं, वो वैसे ही कहता है, तुम्हारे बकरों और मेंढों से मैं उग गया हूं, उग चुका हूं। मतलब बंदा कहता ना यार रोज मोमोज खा रहा हूं, कहता भैया मोमोज खाओगे बहुत टेस्टी है, बंदा बोलेगा कितने भी टेस्टी बने मैं उग चुका हूं, मतलब फैट अप। हालेलुया, थैंक यू जीसस, मैं तंग आ चुका हूं इन सब चीजों से, यहोवा कहते हैं। और यीशु लिए आया कि तुम्हारा उद्धार कर सको, और वो उद्धार कैसे होगा? जब हम संसार से अपने आप अलग करते हैं। संसार से अलग होने का मतलब नहीं है कि हमारा कपड़े का पहनने का स्टाइल अलग हो जाए, हमारा जीने का स्टाइल अलग हो जाए। मेरी बात कितने को समझ आ रही है? हमारा कुछ नहीं बदलना चाहिए, हमारी एक ही चीज, थैंक यू जीसस। और जब यीशु मसीह पे विश्वास करना है तो विश्वास करना है वो आपकी लाइफ में कुछ नया करने वाला है, कुछ जिंदगी में बदलने वाला आपके। थैंक यू, हालेलुया, 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 गॉड हैज समथिंग स्पेशल टुडे। आज जब यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पे विश्वास करो, विश्वास करने का मतलब आपका पहला विश्वास है अपने आप को संसार से अलग करते हैं आप, और जब आप अपने आप को संसार से अलग करते हैं मतलब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। अब आप कहते रिश्ता कैसे बनाना है? रिश्ता बेटे वाला होना चाहिए, रिश्ता आज्ञाओं को मानने वाला होना चाहिए,
रिश्ता पवित्रता में चलने वाला होना चाहिए, रिश्ता आपको परमेश्वर को जानने वाला होना चाहिए। अगर तुम जानते नहीं कि फिर कुछ नहीं होगा, आपकी नॉलेज में क्या है, जब तक आपको नॉलेज नहीं है आप बिल्कुल रिश्ता नहीं बना सकते। जब तक मुझे पता नहीं है कि मेरे पापा कितना कमाते हैं, जब तक मुझे पता नहीं है मेरे पापा कौन है, जब तक मुझे ये नहीं पता कि मेरा अपने घर का एड्रेस कौन सा है, तो मैं कैसे जानूंगा, कैसे बरकत पाऊंगा। मुझे पता मेरे पापा कितना कमाते हैं, मुझे पता मेरे पापा कौन से ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, मुझे पता मेरे पापा ने मेरे लिए कौन सा घर बनाया, मुझे पता है। लेकिन मैं यहां के पिता की बात कर रहा हूं, और आप जाके उन्हें बोलते हैं मुझे ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए। आप जाके अगर आपके पापा 15,000 महीने का कमा रहे हैं, आप जाके 2,00,000 का बाइक कभी नहीं मांग सकते। मांग सकते हैं आप? कभी नहीं मांग सकते। पर मैं 2 करोड़ का मांगता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बाप स्वर्ग में बैठा है। कुछ भी वो कर सकता है, कुछ भी। उसके लिए कुछ भी करना छोटी बात है। लाजर जिंदा करना बड़ी बात है, एक मरी हुई लाश को जिंदा करना कितनी बड़ी बात है, इस संसार के लोगों के लिए बड़ी बात है। लेकिन ये क्या कहा था बताओ आपको, यीशु ने कहा ओए चलो दफा जाए यहां से, निकलो यहां से बाहर। क्यों? यीशु मसीह का पता था। ये सिर्फ लड़की सोई हुई है और पूरा जगत जानता था कि वो मरी हुई है, सारा जगत संसार में था, यीशु मसीह स्वर्ग से थे। यीशु मसीह ने एक ही बात, क्या बात कही थी, आ लड़की उठ, उठ, लड़की मरी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि वो कौन है और वो क्या कर सकते हैं। और संसार के लोग रो रहे पिट रहे हैं, ये पागल है आदमी, ये कह रहा है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़की मर चुकी है। हमारे मरने के वक्त यीशु मसीह सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये सिर्फ सोए हुए हैं। क्या किए हुए? सोए, मरे नहीं है, सोए। अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। पर हमारा रिश्ता कायम कितना है यीशु मसीह के साथ, और रिश्ता पवित्रता से बनता है, रिश्ता सेक्रीफाइस से बनता है, रिश्ता गुनाह बुरी आदतों को छोड़ के बनता है। एक दिन में रिश्ता कायम नहीं हो जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं जो सोना आग से होकर बाहर नहीं जाएगा तब तक वो प्योर घोषित होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोना आग से तप के बाहर निकलेगा तभी पता लगेगा कि वो कितना बेस्ट है, कितना सही है। जब तक हम यीशु मसीह में विश्वास करना, यीशु मसीह पे विश्वास करना कोई बड़ी बात नहीं, पर करते रहना बड़ी बात है। समझ आ रहे? यीशु मसीह पे विश्वास करना कोई बड़ी बात नहीं। आप एक हफ्ता आते हैं, 2 हफ्ता आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, पर आते रहना, ये आपका विश्वास है। और यही विश्वास है जो आपको स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। मैं यही नहीं कहता कि आप हमेशा परमेश्वर के साथ यहां रहेंगे दुखी रहेंगे, नहीं, आप सुखी में रहेंगे यहां भी। पर आपको पता होना चाहिए कि ये चीज मुझे खुदा से दूर करती है, और ये आपका प्यार है यीशु मसीह के साथ, ये है आपका रिश्ता। एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को सीधा रखने के लिए, खुश रखने के लिए कुछ भी करता है, पूरी रात तैयारी करता है उसकी बर्थडे की। हाँ, शादी के बाद फिक्र खत्म। समझ आ रहा है? जब यीशु मसीह से आपका रिश्ता बनने लगता है, और कुछ लोग लाइट हो जाते हैं, बीमारियां चलेगी, ब्लेसिंग है जो, वो लाइट हो जाते हैं। डैनियल ने एंजल्स अपनी आंखों से देखे, और एंजल आके उसको टीचिंग दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? डैनियल 3 टाइम दुआ करता था। जब हुक्म आया कि तुम्हें शेरों के आगे डाल दिया जाएगा अगर तुम में से किसी ने दुआ की, डैनियल ने फिर भी की, क्योंकि डरपोक परमेश्वर राज्य को नहीं देख सकता, डरपोक कुछ नहीं पा सकता यीशु मसीह से। सच कह रहा हूं मैं, और वो विश्वास है जो हमारी प्रार्थना है। अगर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कुछ भी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला वचन को पढ़ना अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं पढ़ना। दूसरा हमारा विश्वास करना कि ये सच में। तीसरा प्रार्थना करना। चौथा उपवास करना और अपना बीज देना। अगर आप प्रार्थना करते हैं बिना सीड के, आपकी प्रार्थना कबूल नहीं होती। मैंने आपसे पहले कह दिया, आप कहते हैं ओह ये तो अजीब सी बात होगी, क्योंकि जिस बंदे ने संसार से मन लगाया उसने पैसे से मन लगाया। समझ आ रहा है? आप लोग जाके पैसा गरीब को देते हैं, वो आपको क्या दे सकता है बदले में? अगर उसने आपके सर पे हाथ रखा, वो खुद गरीब है, आपको गरीबी दे रहा है। दिस इज इम्प्लांटेशन एंड इम्प्लांटेशन। आपका लड़का जब शादी करता है, आप एक आदमी के पास लेके जाते हैं, वो उसकी शादी पड़ता है, सब कुछ उसके लिए करता है, और फिर शाम को आपको बोलता है यार मेरे लिए एक अरेंजमेंट भी करना बोतल का। कौन कह रहा है? जिसने आपकी शादी पड़ी, और शादी पड़ने का उसको एक बोतल चाहिए, और बोतल पी के वो आपके सर पे हाथ रखता है। क्या दिया उसने आपको? पी के शराब दिया।
इसलिए हम अपने सर के ऊपर हाथ नहीं रखते। टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी चर्च में, टेंशन मत लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। कुछ तो है यहाँ और वो कुछ कौन है? यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। हमारे चर्च से लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं जीवन की पुस्तक में, पुस्तक में नाम लिखे जा रहे हैं। सही में शुक्रवार को एंजल धड़ाधड़ नाम लिख रहा था। हाँ, कुछ तो दिया होगा आपने, कुछ तो किया होगा आपने। लोग कहते हम क्रिश्चियन बन गए। क्रिश्चियन तुम अपने घरों में जाके बनते हो, चर्च में आके नहीं बनते। हाँ जी, क्रिश्चियन बन गए चर्च में जाके। और चर्च जाने से कौन बोला? चार घंटे तो सारे सिद्धु के बैठेंगे यहाँ पे, यहाँ कोई शराब नहीं पीगा, पर घर जाके शराब पियोगे तो पता चलता तुम कितने क्रिश्चियन हो। कितने बात समझ आ रही है? ये क्रिश्चियन व्रिश्चियन वाला डोंग छाट दो, मन फिराओ, अपना मार्ग सीधा करो, तोड़ो उसको टेढ़ा मेढ़ा सीधा करो, ताकि जो मार्ग सीधा जाए, नैरो है, छोटा तंग रास्ता स्वर्ग को जाता है, पर ये रास्ता आपके लिए बड़ा आसान होगा। कितने जाते हैं हम स्वर्ग जाने के लिए ऐसे जिए जैसे हमने कभी जिया ही नहीं है। पहली वचन पढ़ना, दूसरा अपने लिए पढ़ना, तीसरा उस पर विश्वास करना, चौथा प्रार्थना करना, और हर दिन एक घंटा प्रार्थना करना। कितनों की प्रॉब्लम है हाथ खड़ा करो, कितनों की परेशानी है, जो चाहते हैं परेशानी अलग हो जाए। मैं एक बात कहता हूं, रोज अपने घर में शाम को एक घंटा बाइबल पढ़ना। मैं आपको टाइम भी दूंगा, टाइम, इस टाइम के अंदर अगर नहीं होगा मेरा नाम बदल देना, अल्फा विनोद खोंजा नाम है मेरा। पहला आपने क्या करना है, रोज एक घंटा बाइबल पढ़नी अपने घर में, और आधा घंटा प्रार्थना करनी, इसे दो हफ्ते करना है। और आपका उपवास खत्म नहीं होना चाहिए, आपका सीड खत्म नहीं होना चाहिए। मैं सीड बोने से ब्लेस होता हूं। लोग मुझे पूछते हैं सर आप ब्लेस कैसे होते हैं, हम भी चलते चला रहे हैं, आप क्या करते हो सर? मैं प्रेयर करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, वचन पे चलता हूं, उपवास करता हूं, बीज बोता हूं, टाइट बोता हूं, फिर जाके ब्लेस होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप 10:4 में पढ़ लो, प्रेरितों के काम में क्या लिखा है, याचक थे सुबेदा, स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत से उसने कहा ओए सुन, पढ़ के ऐसे में अपने से निकलवा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बिना कहे। सभी वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम निकालो, 10:10 पढ़े, 10 शुरू से। कैसरिया में एक कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो अंतियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। क्या करता था? बहुत दान। दान किसको था? यहूदियों को देता था, यीशु मसीह को नहीं दिया उसने, और यहूदियों को बहुत दान दिया करता था। बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्वप्न रूप में देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा कि ए कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा कि ए प्रभु क्या है? उसने उससे कहा तेरी प्रार्थना और तेरा दान स्मरण कर लिया गया है। सिर्फ प्रार्थनाएं और सिर्फ दान काम नहीं करता। अगर आप सिर्फ चर्च में बीज लगा रहे हैं और आपकी प्रार्थना नहीं, आपके बीज में बरकत नहीं आएगी। और अगर आप बीज आप सिर्फ प्रार्थना करें, सिर्फ प्रार्थना, सुखी प्रार्थना है, आप जाके खेत है ये साथ वाला खेत, वहां जाके आप प्रार्थना करें ओ इन द नेम ऑफ जीसस, कनक बाहर आ जाए, कुछ नहीं होने वाला। आपको सीड बोलना, जब आप सीड नहीं बोलते कनक बाहर नहीं, क्योंकि परमेश्वर का मेरी सामर्थ है जमीन में जो उसको उगाती है। लोगों की एक और मेथोलॉजी, छोटी एज में लोगों को क्या बताया जाता पता आपको? कहा जाता है परी लोग जो है वो जिंदा खाना खाते हैं। परी लोग कौन सा खाना खाते हैं? परिये, एंजल्स, ये जो होती हैं ये जिंदा खाना खाते हैं। दिमाग खराब है, हम हैं वो सब कुछ, हम खाते हैं जिंदा खाना। अगर संतरा पेट पे लगता है पहले इतना सा होता है, फिर वो बढ़ता, उसमें जान है। अगर उसमें जान नहीं होती वो नहीं बढ़ता, फिर बढ़ता फिर हम खाते हैं। समझ आ रहा है? फिर कहते हैं वो बढ़ रहा है, कल पेट छोटा था, कोई चावल का दाना नहीं, बढ़ता गया, फिर कनक लगी, पक गई, और फिर वो जान किसमें? हम खाते हैं जिंदा अनाज, और हम परियों से कम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम ये जान लेते तुम आए कहां से? यीशु मसीह ने कहा जहां से मैं आया हूं मैं वहीं वापस चला जाऊंगा। और हम भी कहते हैं यहां से हैं, कोई दूसरा जन्म नहीं है। धन है आप लोग, मैं आपको कह रहा हूं, जिनको बताया जा रहा है कि दूसरा कोई जन्म नहीं है, भूल में रह रहे हो। तो पूछो जिनको दूसरा जन्म मिला हुआ, उधर रोना चलाना और सिर्फ दांत पीसना,
बाइबल पढ़ लो एक बार ध्यान से, इतना खुल के कोई भी चर्च आपको सारी बातें नहीं बताएगा। लड़के की बातें करते ही नहीं है चर्च में, क्यों नहीं करते? तो लोग उधार कहां से पाएंगे, इनकी नॉलेज में स्वर्ग नरक है ही नहीं। मैं कुछ लोग प्रीचिंग सुन रहा था, मतलब उनकी बातें सुन रहा था, तो जब यहां पे स्वर्ग नरक की बात हुई तो वो बाहर जाके लोगों को कहते यार स्वर्ग नरक होता ही नहीं है। उसने कहा तुम्हें बताया नहीं गया क्योंकि तेरी नॉलेज में स्वर्ग नरक नहीं है, पर जो बाइबल में लिखा है वो है। क्योंकि जो तुम्हारे लिए नहीं है वो स्वर्गदूतों और हमारे लिए है, और किन के लिए है? विश्वास करने वालों का है। हम उन चीजों को ढूंढते हैं जो नहीं दिखती, और जो देखी हुई वस्तुओं के पीछे ढूंढते हैं, जो देखी हुई चीजों को ढूंढते हैं उससे ये चीजें बहुत ऊपर है जो नहीं। और यदि देखी हुई चीजें दिखने लगे तो हमारा विश्वास कम होने लगेगा, तभी परमेश्वर किसी को एकदम से उसका फेमिलियर नहीं होता है। और खुदा के बंदों को लोग लाइट ले लेते हैं और उनकी लाइफ में लाइट नहीं उतरती, और जो लाइट लेते हैं उनकी लाइफ में, और बिल्कुल लाइट नहीं लेते उनकी लाइफ में लाइट उतरती है। क्योंकि लाइट वेट से होती है कि तुम्हारा विश्वास कितना है। हालेलुया। और हर दिन मैंने आपको कहा दो हफ्ते में आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, दो हफ्ते में। पर दो हफ्ते क्या करना है, बाइबल पढ़नी, आधा घंटा प्रेयर करनी, उपवास करो, प्रार्थना करो, अपना सीट मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपना सीट कहां बोना, मेरे राज्य के लिए। यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब आदमी ने पूछा, अमीर व्यक्ति ने कहा था यीशु मसीह को, उसने कहा था हे प्रभु मुझे बता कि मैं क्या करूं। उसने कहा तुम आगे तो जानते हो। उसने कहा हाँ मैं अपने माँ बाप की इज्जत करता हूँ, परमेश्वर को अपने पूरे मन से उसकी आराधना करता हूँ। उसने कहा तेरे लिए एक काम करना और भी जरूरी। उसने क्या कहता अपना सारा धन बेच के गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। उसने कहा मैं बहुत अमीर व्यक्ति हूँ। कहता अमीर व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में जाना इतना मुश्किल है जितना सुई के नाके से ऊंट का निकलना मुश्किल है। अब मैं ये नहीं कहता आपका अमीर होना गलत है, नहीं, पर आपका अमीरी की तरफ ध्यान होना ये गलत है। आपका सारा मन, आपका सारा तन, आपका सारा धन परमेश्वर की तरफ होना चाहिए, और यहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। हालेलुया। अगर मेरा ध्यान प्यासे पे होगा तो मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरा ध्यान पैसे पे होगा तो मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरा ध्यान पैसे पे और मैं बीमार हूं मैं अपनी बीमारी से कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि जिसने संसार से मन लगाया वो परमेश्वर से खिलाफ है। एक मास्टर दो गुरुओं की सेवा नहीं कर सकता, पैसा और परमेश्वर। हालेलुया। और आप अगर हर दिन ये करें दो हफ्ते, अपनी प्रार्थना, अपनी प्रेयर, अपना उपवास आप करके देखें दो हफ्ते, दो हफ्ते के बाद आप अपनी गवाहियों की लाइन लग जाएगी। मैं चाहता हूं परमेश्वर हमें ब्लेसिंग दे, रिजल्ट नहीं। समझ आ रहा है, हमें ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग, रिजल्ट नहीं चाहिए। अगर मैंने ब्लेसिंग ढूंढनी हो ना तो फिर मैं ढूंढता लोगों के बीच में, मुझे ब्लेसिंग वाले लोग पसंद है, रिजल्ट वाले नहीं। आज गाड़ी लेनी हो मैं बोलूंगा मुझे गाड़ी चाहिए, चर्च में ऐसे ऐसे दीवाने मैं कुछ भी करके गाड़ी ले लेंगे, लेकिन फायदा क्या है, क्या करनी गाड़ी, अभी जरूरत नहीं है। जब यहां से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से उधमपुर, उधमपुर से रियासी में जब क्रूसेट करने होंगे तब गाड़ी चाहिए, और गाड़ी देने वाला परमेश्वर होगा। अभी गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, पर उन्होंने कहा जिस चीज की जरूरत है वो ले लो, बेफजूल में किसी के लिए ध्यान मत लगाओ, तुम मेरे पे ध्यान लगाओ मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। या अपना बोझ मुझ पे डालो मैं सब कुछ तुम्हें बदल के रख दूंगा। अपनी बीमारी लाके यीशु मसीह के सामने रखो, ये लो। अपने बच्चों की प्रॉब्लम यीशु मसीह के सामने लाके रखो, रखो ये लो। ए खुदावंद मेरा बच्चा इस साफ से है, ए खुदावंद मेरी बेटी ये है, ये मेरा सेक्रीफाइस है, ये मेरी प्रेयर है, ये मेरा बाइबल पढ़ना है, और मेरा बाइबल में विश्वास करना है कि आपने जराई की बेटी को जिंदा किया। और एक औरत थी यीशु मसीह के साथ, एक वचन पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। मैं जल्दी खत्म करने वाला हूं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। एक मिनट, हम मारा रैम में रहते हैं, हमें गर्मी कहां लगेगी, हम मारा रैम में है। सुनो कितनों को गर्मी लग रही, सीधा हाथ खड़ा करें इस वक्त, इस वक्त ये पंखों की हवा कम है। मैं आपको वो दिखाऊंगा जो परमेश्वर मुझे बताएगा। थैंक यू जीसस। जीसस हम तेरी महिमा करने वाले हैं और तेरी आराधना करने वाले हैं। इस पृथ्वी को बनाने वाले आप हैं, और पेड़ों में इतनी हवा चले कि ये लोग ठंडे आराम से बैठे। आई मीन मारा रैम, इतनी हवा चले प्रभु ये जगह ठंडी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस मैं कमांड करता हूं छोटे से लेके बड़े पेड़ को, इतनी तेज चले हवाओं में यीशु मसीह के नाम से। और है देखो
आप पेड़ों को देखो, आई एम इन द मारर, क्या पेड़ हिल रहे हैं? ठंडी हवा आ रही है, प्रभु और तेज हो, पर टेंट नहीं उड़ना चाहिए। दिस इज ए मारर एम, तुम बोलते हो तुम्हें दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ठंडा परमेश्वर, और ठंडा, ये पेड़ हवा से हिलने लगे यीशु मसीह के नाम से। आई ठंडी हवा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और ठंडी हवा आ रही है, और वो प्रभु और हवा करे, और हवा करे हमारे लिए, इन नेम ऑफ जीसस। जराई की मृत्यु पुत्री को एक रोग और एक रोगन स्त्री, मतलब एक बीमार से जकड़ी औरत थी। हम पढ़ेंगे, जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले। किसके साथ मिले? आनंद। जब आप यीशु मसीह के पास आए, बेस्ट टाइम दे परमेश्वर को। जब आप प्रार्थना करें, एक घंटा प्रार्थना करें, लेकिन बेस्ट टाइम होना चाहिए आपका। ऐसा ना आपको नींद आ रही हो, ऐसा ना आप फोर्सली बैठ रहे हैं, आप प्रेशर में प्रार्थना कर रहे हैं। आपको एक घंटा बैठना ही बैठना है। अगर आपको नींद लगी, आप सो जाओ पहले, सो के उठ जाओ और फिर प्रार्थना करो। समझ आ रहा है? मैं अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर को देता हूं कि तब मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, तब मुझे सुस्ती नहीं पड़नी चाहिए। फिर तो मेरी बात समझ आ रही है। बेस्ट टाइम परमेश्वर को दो अपना। और तब क्या हुआ? इतने में जराई नामक एक मनुष्य, जो आराधनालय का सरदार, किसका? आराधनालय का सरदार। और हम आराधनालय के सरदार नहीं है। किसके सरदार हैं? यीशु मसीह के सरदार। उसने हमें नौकर बना के भेजा हुआ है। किसके सरदार हैं हम? नहीं, वो क्रिश्चियन है हम? नहीं। कौन है हम? चेले हैं। हर एक बंदा यीशु मसीह का चेला है। किसका चेला? जय हम जय कहना शुरू करते हैं ना, हम क्रिश्चियन बने हुए हैं, आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि चेला वफादारी दिखाता है। बेड़े नहीं दिखाएंगे, बेड़े फिर भी डगमगा जाएंगे। जब आराधनालय का सरदार आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि मेरी 12 वर्ष की एकलौती बेटी बेटी थी और वह मरने पर थी। अभी मरी नहीं है, क्या हुआ? मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़े थे। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीवा का वैद्यों के पीछे व्याह कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। यीशु मसीह किस काम के लिए जा रहे थे? उस बेटी को चंगा करने के लिए। और जब स्त्री का विश्वास हुआ, उसने सिर्फ विश्वास से कपड़े को छुआ। आपका विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे सामने है और यीशु मसीह के मैं कपड़े को छू लू तो मेरे सारे रोग दूर हो जाएंगे, मेरे सारे दुख हो जाएंगे, मेरी सारी विपत्ति चले जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इस पर यीशु ने कहा कि मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ए स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिर पड़ी है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया, इंतजार करो कि यीशु आपके सामने, ये आपका विश्वास होना चाहिए। और यीशु मसीह आपके सामने कहाँ है? अब आप कहेंगे, यार यीशु मसीह हमारे सामने कहाँ है? ये वचन पूरी यीशु मसीह आपके सामने। हालेलुया, पूरी पुस्तक बता रही थी यीशु मसीह आपके सामने। और वो स्त्री ने सिर्फ यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। और हमारा विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा है और हमें इस यीशु मसीह को छूना। और छूना किसको? और जब हम वचन को छूते, मैं आपको गारंटी देता हूं, बदलने वाले हैं, आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपका बैंता लहू रुकने वाला है, आपकी बीमारियां खत्म होने वाली है, आपके रोग जा रहे यीशु मसीह के नाम से, आपका फाइनेंस बेस्ट हो रहा यीशु मसीह के नाम से। वह ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार से ये यहां से आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई। यीशु मसीह एक बार चल गए, मेरी बात सुनो, यीशु मसीह एक बार राह चल गए, आपके घर के रास्ते में चल पड़े हैं,
तो आपका एक काम और होना चाहिए कि यीशु मसीह राह में सिर्फ मेरे घर है, ये आपकी प्रार्थना यीशु मसीह को खींचती है, आपको वचन पे चलना खींचता। जब यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी को खत्म किया था, तब परमेश्वर ने कहा कौन मेरे लायक है, तो तब कौन यीशु मसीह के लायक आया था, कौन था? नूह। इस हद तक अपने आप को तैयार करो। आलाबाशी, तेरी बेटी मर गई, गुरु ने, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने उससे ये सुनकर उसे उत्तर दिया कि मत डर, केवल विश्वास रख। क्या? मत डर, सिर्फ विश्वास रख, तो वह चंगा बच जाएगी। घर में आकर उसने पत्र यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर ना आने दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। अगर कोई मर जाता है यीशु मसीह के लिए इतनी सी बात है, बस ये सो रही है। यीशु मसीह इतना कहता है उठ और उठ जाते, इतनी छोटी सी बात है मरे हुए को जिंदा करना। और हमारी तो प्रॉब्लम ही क्या है, आज हमें जिंदा होना है, क्योंकि आज कौन जिंदा हुआ था? तीन दिन छोड़ दिया कब्र में, तुम तो उसे भूल गए, लेकिन जिसने उसे भेजा वो नहीं भूला, यहोवा नहीं भूला। आपके माता पिता आपको भूल सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपको भूल सकते हैं, पर मैं आपको सत्य कह रहा हूं, आपको यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा। ना वो आपकी धर्म ना जात कुछ नहीं बदलता। एक बार उसके कपड़े को एक बार पकड़ के देखो, आपके दुख रुक जाएंगे, आपके दुख थम जाएंगे। मैंने आपको गारंटी दे दी, आपका दुख थम जाएंगे। जैसे उसका लहू थम गया, वैसे आपके दुख थम जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। कुछ नया होगा, आप हिल जाएंगे कि प्रभु ऐसा कैसे कर सकता है मेरी लाइफ में। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। छुटकारा आप ही के लिए है, उधार आप ही के लिए है, पर आप यीशु मसीह के लिए क्या लेकर? छोटी सी बात लानी है, वो क्या है? विश्वास। यीशु मसीह ने कहा विश्वास रख। मर गई ये बेटी, फिर भी कह रहा है यीशु मसीह विश्वास रख। मुंबई में एक पास्टर था, उसका बेटा मर गया। जब उसका बेटा मर गया, अब टेंशन बन गई, और वो मीटिंग करने बाहर गया, बंदगी करने बाहर गया, और घर आया कहते तुम्हारा बेटा मर गया। कहता ये नहीं मरता, दो मुझे, अंदर लेके कमरे में चला गया। कहता मैं आपकी सेवा करने गया हूं, मेरा बेटा कैसे मर सकता है? जिंदा हुआ, समझ आ रहा है? जिंदा हुआ। वो जो करता था वो करता है और करता रहेगा, मेरे मरने के बाद भी उस सारे काम करता रहेगा। पर उसके उसके मेरे मरने से पहले मैं ऐसी बुनियाद डाल के जाऊंगा जो कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। जम्मू कश्मीर में सिर्फ बातें हुई हैं, मेरी बात सुनना, बात सिर्फ बातें हुई, टा 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 टा, यीशु मसीह ये कर गया, यीशु मसीह वो कर गया। मैं बातें नहीं, मैं कुछ करने आया हूं यीशु मसीह के नाम से। हवा किधर चलती है? जिधर चलती है तुम नहीं जानते, पर सिर्फ उसका शब्द सुनते हो। लोग क्यों तुम्हारे पास आएंगे? यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरे प्रचार का विश्वास करो। नहीं, उसने कहा कम से कम कामों का तो विश्वास करो, मैंने की है। ध्यान दो, लाजर मैंने मुर्दा जिंदा किया, ध्यान दो जराई की बेटी मैंने जिंदा किया, ध्यान दो मैंने बहरे के कान खोले हैं, ध्यान दो मैंने विधवा पे उसको दफनाने के लिए लेके जा रहे थे और मैं खड़ा होगा पीछे रास्ते में आके, मैं खड़ा रहूंगा, ये तेरा विश्वास है तो मैं खड़ा रहूंगा, तेरा विश्वास नहीं तो मैं तेरे लिए कभी खड़ा नहीं रहूंगा। यीशु मसीह कह रहा है तेरा विश्वास मुझे मजबूर करता है तेरे रास्ते में खड़े होने के लिए, और शैतान तेरे डेरे नहीं आएगा तेरा विश्वास। और यीशु मसीह खड़ा हो गया, और विधवा स्त्री, और जब विधवा स्त्री वहां रो रही है, एक लोता बेटा, और उसने कहा ए नौजवान मैं तुझसे कहता हूं उठ और खड़ा हो जा, और नौजवान अपनी कमर छटके खड़ा हो गया, एक समझे अपनी अर्थी छटके खड़ा हो गया, और उसने अपनी उसने कहा ए विधवा पुत्र, उसने कहा ले जा अपने बेटे को। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं आपका विश्वास होना चाहिए, ये प्रार्थना स्वर्ग जा रही है, और स्वर्ग के बीच में कोई और रास्ता नहीं आना चाहिए, आप यीशु मसीह का रास्ता खुद ब्लॉक करते हैं। कैसे? बीड़ी पी के, शराब पी के, नशे करके, व्यभिचार करके, गंदी पिक्चर देख के आपका रास्ते में ब्लॉकेज है। यीशु कह रहा अपना रास्ता, यूहन्ना पढ़े शुरू से, मैं जब पढ़ता था मैं कहता प्रभु आप क्या कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। थैंक यू जीसस। तिब्रियुस कैसर राज्य के 15वें वर्ष में जब पेंतुस पुरुतुस
परंतु यहूदियों का हाकिम था और गलील में हेरोदस तिरियास और मुझे उसका भाई फिलिपुस और अबिलेन और लियानियास चौथाई के राजा थे। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में यकरिया के पास योना के पास पहुंचा। वह यर्दन के आसपास के सारे प्रदेश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों के पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। कितने मेरी बात समझ रहे? प्रभु का मार्ग तैयार करो। क्या लिखा है? प्रभु का मार्ग तैयार करो। हालेलुया। और हमारा मार्ग ये कैसे करता है? प्रार्थना से। और जो वो मार्ग है वो कह रहे हैं, वो आगे भी कुछ पढ़े ध्यान से। उसने कहा एक हर एक गाटी भर दी जाए और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाए और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा है वह नीचा और चौरस मार्ग बनाए। हालेलुया। अब ये क्या है पता आपको? ये कौन सा मार्ग है? ये मार्ग वो है जो हम प्रार्थना करते वक्त हमारी लाइफ में आता है। पहाड़ है हमारी लाइफ में। कौन सा पहाड़ है? व्यभिचार का पहाड़ है हमारी लाइफ में। किसका? व्यभिचार का पहाड़ है हमारी लाइफ के अंदर। किसका? ओवर टीवी देखने का पहाड़ है हमारी लाइफ के अंदर। लोगों के साथ बैठने का, परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं। ये पहाड़ है जो हमारे मार्ग परमेश्वर तक नहीं जाने दे रहा। लोगों ने बाइबल पढ़ी, सच में पढ़ी, लेकिन वो अर्थ से नहीं जानते कि यहां प्रार्थना की बात की जा रही है। प्रार्थना से मार्ग, वो पहाड़ तोड़ो जो व्यभिचार का, पहाड़ तोड़ो जो बीड़ी पीने का, वो मार्ग सीधा करो। पत्थर अगर गाटी खड्डे हैं और लगता है कि आप बार बार व्यभिचार में गिरने हैं तो वो खड्डा है, तो भरोसे प्रार्थना से ताकि तुम दोबारा ना गिरो। और जितनी बार गिरोगे उतनी बार मुश्किल होगी। हालेलुया। और अपनी प्रार्थना सीधी करो, मार्ग सीधा करो परमेश्वर के लिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, ताकि वो आपके घर रहे और आपको उधार दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। फिर आप बोलोगे हम कैसे तैयारी करें? तैयारी ऐसी होती है प्रार्थना से। पहली पुस्तक जैसे ही शुरू होने का, पहाड़ हटाए जाएं, गड्ढे भरे जाएं, टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे किए जाएं। हाँ मैं जा रहा हूं यीशु मसीह के पीछे, फिर तो जा रहा हूं, शराब भी पी जा रही है। हाँ यीशु मसीह सामने है, बिल्कुल जा रहा हूं, थोड़ी देर के बाद इधर हो रहा हूं, यहां सिगरेट पी जा रही है। टेढ़ा नहीं चलना, सीधा चलना। फिर यीशु मसीह का मार्ग जो है वो सीधा, और वो सीधा प्रार्थना से होगा। और जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना क्यों कबूल हो रही? क्योंकि हमारा मार्ग टेढ़ा है। थैंक यू जीसस। कितनों को बात समझ आई कि योहन्ना ने ऐसी बातें क्यों कही थी? ये अभी रेवोल्यूशन हुआ यीशु मसीह के नाम से। किसका अर्थ ये है? टेढ़ा मेढ़ा मार्ग सीधा करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। गॉड हैज समथिंग स्पेशल टुडे। कितनों को समझ आया मुझे घर जाके क्या करना है? उपवास करना है, प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है। ये काम दो हफ्ते करके देखो, सिर्फ दो हफ्ते। दो हफ्ते के बाद अपने घरों के अंदर आप वो काम देखोगे जो आज से पहले कभी नहीं देखे। पर एक मन एक स्पिरिट होके परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड हैज समथिंग स्पेशल। मोसा खाली खरा बाखू सबा स्वर्ग में बोली जाती है। एंजल लोग इसी भाषा से बात करते हैं और उन्हें हमें वरदान दिया है कि हम ये बोले। यहाँ चर्च में सिर्फ मैं एक ही नहीं बोलता, जब मुझे वरदान मिला मैंने औरों को भी दिया ताकि वो भी वो भाषा बोले जो एंजल्स लोग बोलते हैं। एंजलिक भाषा है। बहुतों को दी, बहुतों को दी। शनिवार शुक्रवार को किसने अन्य भाषा बोली थी यहाँ पे? आंटी आए वो? हाँ। कैसा हुआ जीवन अब अन्य भाषा के बाद? अब अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बैप्टिज्म जो था ये आग से। हालेलुया। पहली बार आए थे ना आप? तब आप पहली बार आए थे तो पहली बार में अगर आपको अन्य भाषा खुदा ब्लेस, बोलते रहना, इसको रोकना नहीं है, बोलते रहना। जो भाषा बोली नहीं जाती वो कभी नहीं आती क्योंकि याद नहीं रहती। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड हैज समथिंग स्पेशल। गॉड हैज समथिंग स्पेशल। आमीन।